हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेट वीडियो हो गई है। टुडेज वीडियो इज़ अ स्वेटर्स हॉल। आई नो विंटर्स जा चुके हैं, बट मैंने ये जो कपड़े थे ना, ये मैंने 2-3 महीने पहले खरीदे थे। आई थॉट आई बी मेकिंग ऑल वीडियो आप लोगों के लिए, मैंने ही खरीदे थे। आई वॉज अबाउट टू मेक द वीडियो बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुडंट मेक इट। तो अब मेरे कपड़ में मतलब पड़े हुए थे, टैग लगे, आई हैड टू मेक अ वीडियो बिकॉज नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट श्योर दिल बी इन स्टॉक और नॉट। सो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ वीडियो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई देम फॉर द नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट विंटर्स, या आपके यहाँ पर अगर अभी भी सर्दियाँ हैं तो आप अभी भी इनको ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। एंड इट्स गोना बी अ ट्राई ऑन हॉल, सो मैं आपको पहन के दिखाने वाली हूँ। एंड अब ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वन, सो ये इन सब में मेरा फेवरेट है। इट्स फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसपेरी और ये स्वेटर ना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी जो फिट है, इसका फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा ठंड में आप इसको नहीं पहन सकते, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। हल्की सर्दियों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और आपको जो इसका स्लीव्स हैं उसके ऊपर एंड में ये ऐसे स्टिचेस वाला डिज़ाइन मिलता है। और नेक आपको दिख ही रहा है, वी नेक है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। इट्स परफेक्ट और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। इसकी जो लेंथ है वो बहुत लंबी नहीं है। अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो आपको शायद ये क्रॉप की तरह भी आए, बट इट्स अ रियली नाइस स्वेटर। द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज़ और ये मैंने इसकी जो अनबॉक्सिंग रील थी ना, वो मैंने जब डाली थी इंस्टाग्राम पे, इट गॉट सो मैनी व्यूज़ और इतने सारे लोगों ने इसका लिंक मांगा था। मतलब ये एकदम ऐसे वायरल स्वेटर था बिकॉज दिस कलर हैज़ बीन इन ट्रेंड फॉर द एंटायर ईयर। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इस कलर में। और ये जो स्वेटर की फिट है ना, ये बहुत अच्छी है। टर्टल नेक में ये स्वेटर है लैवेंडर कलर का और ये भी हल्की सर्दियों के लिए है, बहुत ज़्यादा एकदम मोटा नहीं है और फिट काफ़ी अच्छा है। इसकी लेंथ भी सही है, ये आपको क्रॉप की तरह नहीं आएगा। सो मेरी तरफ से इट्स अ रियली बिग थम्स अप। द थर्ड वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर और ये मैंने ये फोटो देख के लिया था। ऑल्दो ये आने के बाद में थोड़ा सा अलग लग रहा है और इसमें से बहुत ही वियर्ड सी स्मेल भी आ रही है, बट अगर मैं इसको ऐसे जीन्स के साथ में, ऐसे रिप जीन्स के साथ स्टाइल करूँगी तो आई गेस ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके ऊपर आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छा जा रहा है, बट कैजुअल पहनने के लिए दिस स्वेटर इज़ नाइस। क्रॉप पैटर्न में है और ऐसे वो लूज़ वाला इसका पैटर्न होता है ना, वैसा है। स्लीव्स के ऊपर आप डिज़ाइन देख सकते हैं और ये इन दोनों स्वेटर से ज़्यादा मोटा है, तो ये आप थोड़ी सी जो मतलब ज़्यादा ठंड होती है ना उसमें भी पहन सकते हो। और लेंथ इसकी आप देख सकते हो, लेंथ क्रॉप्ड बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप नहीं है बट इट्स लूज़, सो इफ़ यू वॉन्ट आप इसे क्रॉप करके भी पहन सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा स्वेटर सबसे अच्छा लगा। मेरा फेवरेट ऑब्वियसली ये है बिकॉज मैं पहने बैठी हुई हूँ एंड इसका जो साइज है एंड द फिट इज जस्ट परफेक्ट, तो मतलब ऐसा लग रहा है मेरे लिए बन रखा है एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल। तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इनको आप जाके ले सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि डिस्काउंट पर है नहीं है, मैंने जब खरीदे थे तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे थे। सो आप चेकआउट कर सकते हैं, इनको विशलिस्ट में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द नई वीडियो के साथ में। टू टाइम बाय बाय।